नमस्कार दोस्तों, स्वादिष्ट व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम नैचोज भेल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर नैचोज लिए हैं जो इस प्रकार की है, और स्वीट कॉर्न है जो हमने उबाल ली है थोड़ा हल्का नमक डालकर। एक टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक शिमला मिर्च लिए जिसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। पत्ता गोभी है उसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काली मिर्च है, नमक काला है जो स्वाद के अनुसार, मेयोनीज है जो एगलेस है, ओरिगानो लिया है और ये चिली फ्लेक्स है। अब हम भेल बनाने जा रहे हैं। नैचोज हमने 2 कप के बराबर लिया है। इन्हें हम हल्का हल्का तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जियों को ले लेते हैं। ये स्वीट कॉर्न भी हम इसमें डाल लेते हैं, शिमला मिर्च है इसे भी डाल लेते हैं, और ये पत्ता गोभी है इसे डालकर मिला लेते हैं। अब इसमें हम मसाले मिला लेते हैं। ये चिली फ्लेक्स है, काली मिर्ची, ओरिगानो, काला नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब कभी छोटी मोटी भूख लगे या बच्चे कुछ खाने को मांगे उस समय आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब हम इन नैचोज के अंदर इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं। यह हमने जो मेयोनीज लिए है उसे भी मिला लेते हैं। आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं, और इसे साथ साथ सर्व करना है वरना नैचोज नरम हो जाएंगे। एक बाउल में डाल लेते हैं, साथ साथ सर्व करना है। हम यहाँ पर हमारी नैचोज भेल बनकर तैयार है। ये अलग अलग कंपनी के नैचोज आते हैं और अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। आप चाहे जिसे भी आप ले सकते हैं। हमारी नैचोज भेल कैसी लगी अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में डालिए। रेसिपी को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।